हाँ जी सर, कैसे हैं आप? वेलकम टू शिक्षा धाम। आज मुझे अनाउंसमेंट करते हुए थोड़ा सा मैं ज़्यादा मतलब कि खुश नहीं हूँ, या फिर कह लो कि एक टेंशन सी है। उस टेंशन के लिए कुछ करने की कोशिश करते हैं, शायद आपको हेल्प मिले। कॉरपोरेट अकाउंट, कॉरपोरेट अकाउंट सर, कॉरपोरेट अकाउंट के अंदर आपके 4 यूनिट हैं, 5 यूनिट हैं इनफैक्ट। सर 5 यूनिट कौन कौन से हैं? यूनिट नंबर वन, मैं थोड़ा सा रफली लिखूंगा, शॉर्ट फॉर्म में शेयर कैपिटल, ESOP, बायबैक, बोनस, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। ये सारा का सारा एक यूनिट है। और ये वीडियो जो है वो है किनके लिए? जो कि सेमेस्टर 4 के लिए। सेमेस्टर 2 के लिए अभी वीडियो नहीं है, 2 वाले बच्चे अभी ना देखें। यूनिट 2 जो कि आ जाता है आपका डिबेंचर से रिलेटेड। यूनिट 3, मैंने मिस्टेक कर दी। सर ये अलग से पार्ट नहीं है, चलिए डिबेंचर भी यहीं आ जाएगा। यूनिट 2 जो है वो आ जाएगा फाइनल अकाउंट। यूनिट 3 दैट इज कैश फ्लो स्टेटमेंट। यूनिट 4 एमलगमेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन। यूनिट 5 कॉन्सोलिडेशन यानी होल्डिंग कंपनी कहलवा। लास्ट यूनिट सर, पहले मैं थोड़ा सा मैं ये सोच रहा हूँ कि आपकी कितनी जल्दी से जल्दी ना खत्म हो जाए, और 10 दिन बचे हैं रेगुलर वालों के लिए। मैं ज़्यादा टेंशन रेगुलर वालों की है कि रेगुलर वालों के 10 दिन बचे हैं, टोटल 10 दिन बचे हैं रेगुलर वाले को। 17 से एग्ज़ाम है, आज 4 तारीख हो गई, तो 1-2 दिन छोड़ो, 10 दिन मैं मान के चलो। तो सबसे पहले क्या करना चाहिए हम वो देख लेते हैं। सबसे पहले आप नंबर 1 पे CFS उठा लीजिए, इसमें से 10 से 15 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। CFS कर लीजिए आप। लास्ट ईयर के क्वेश्चंस को भी अब मैं अपलोड करूंगा सॉल्यूशन करवा के। सर नंबर 2 पे क्या करें? सर नंबर 2 पे आप फाइनल अकाउंट कर लीजिए। नंबर 1 पे ये करिए, नंबर 2 पे ये करिए, 3 दिन में निपटाइए। 3 से 4 दिन लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इससे टाइम मत लीजिए, क्योंकि टाइम नहीं है। जो बच्चे अभी पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं वो भी इससे थोड़ा बेनिफिट ले सकते हैं, थोड़ा के बहुत बेनिफिट होगा। नंबर 4 पे ये करिए, नंबर 3 पे इसको उठाइए, 1 डे में फिनिश्ड, 1 दिन में खत्म आपका ये हो गया। इसके बाद आपको जो इसमें से पिक करना है आप ये लीजिए, नंबर 5 पे, 4 पे सॉरी, और फिर आपको लेना है ये नंबर 5 पे। ये दोनों 2 दिन में खत्म। तो 2, 2, 4, 2, 6, 6 और 1 या 2 दिन मान लीजिए, 8 दिन हो गए। अगर आप इतने चैप्टर को करते हैं तो काफ़ी सारा कवरअप हो जाता है, स्पीड आपको बढ़ानी होगी। इसके बाद मैं ESOP की वीडियो डालूंगा, बायबैक की डालूंगा, इन दोनों को उठाइए। जो बच्चे खुद प्रैक्टिस कर रहे हैं 1 डे मैक्सिमम, 1 डे, 1 दिन से सर ज़्यादा ले ही नहीं सकते, 1 दिन।
तो सबसे पहले आप ये करिए, फिर ये करिए, फिर रिकंस्ट्रक्शन करिए, फिर आप इन दोनों को उठाइए, फिर इन दोनों को, कॉम्बो इस तरीके से उठा के चलना है सर। इसके बाद आप डिबेंचर को पिक करिए, इसमें भी 1 दिन लग जाएंगे, 1 से 2 दिन भी लग जाएंगे। देखो बड़े चैप्टर है, 2 दिन भी लग जाएंगे। लास्ट में आप होल्डिंग उठाइए, जितना होल्डिंग का हो सकता है। होल्डिंग मैं मानता हूं कि 2 से 3 दिन ले जाएगा। अब ये जो 2 से 3 दिन और ये सारे मैंने टाइमलाइन जो बताए हैं, तो ये तो 10 दिन से ज़्यादा हो गया सर। तो बड़ी सीधी सी बात है, इसके अंदर आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। जिसमें मैं 2 दिन ले रहा हूँ, वो 1 दिन में होगा। और YouTube पे मैं क्या क्या करवा चुका हूँ, मुझे सबसे बड़ी टेंशन ये है कि मैंने आप सभी से प्रॉमिस किया हुआ है, मुझे इस बात का दुख है। YouTube पे शेयर कैपिटल हो गया, शेयर कैपिटल मैंने बताया नहीं, लास्ट में आप रिवाइज कर सकते हैं, आपके 12th वाला ही पार्ट है, सेम एज इट इज आप रिवाइज कर सकते हैं। शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल हो गया, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर चल रहा है, कैश फ्लो स्टेटमेंट करा दिया, फाइनल अकाउंट करा दिया, बस ये चैप्टर करवा पाया, यानी बस ये, और एक बोनस हो गया सर। रिकंस्ट्रक्शन रहता है, एमलगेमेशन, ये दोनों चैप्टर 30 नंबर के हैं जो अकेले पास करा देंगे, और दोनों चैप्टर अपने आप में बड़ा है। एमलगमेशन लाइव क्लास के अंदर, और ये होल्डिंग भी, होल्डिंग चल रहा है लाइव क्लास के अंदर, डेली 2 से 2.5 घंटे की क्लासेस है, और पहले प्री रिकॉर्डेड भी मैंने डाली हुई है, और एमलगमेशन खत्म होने वाला है। तो सर अगर मैं एमलगमेशन और होल्डिंग कंपनी को डालता भी हूँ, अब ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं होल्डिंग कंपनी को डालता हूँ तो 10 दिन से ऊपर लग जाएंगे, क्योंकि वीडियो कन्वर्ट करना, और एक वीडियो नहीं डल रही, मैं अगर आपको दिखाऊं तो एक वीडियो नहीं डल रही, डेली के 6 से 7 वीडियो चल रही है, उसके लिए बहुत हैवी सिस्टम चाहिए होता है साहब। अगर मैं बात करूं, क्योंकि इकोनॉमिक्स भी है, कल देखिए मैंने एक बुक्स के ऊपर डाला, फिर एक बिजनेस मैथ्स 2 वीडियो हो गई, तीसरी वीडियो फिर कॉस्ट का डाला, चौथा वीडियो माइक्रो का डाला, पांचवा वीडियो कॉर्पोरेट का डाला, फिर एक मैनेजमेंट का, तो 5 से 6 वीडियो डेली डल रही है। तो उस केस के अंदर, क्योंकि मैं सिर्फ कॉर्पोरेट, मेरे साथ सभी बच्चे जुड़े हुए हैं और मैं किसी बच्चे को नाराज नहीं करना चाहता, तो 5 से 6 वीडियो और सभी बच्चों के लिए, ये मेरे को सबसे बड़ी टेंशन है। इसलिए मैं अनाउंसमेंट के, अगर मैं बोलूँ कि कॉस्ट का रोक देता हूँ, कॉस्ट वालों को तो 15 को पेपर है, आपका 17 को है, रेगुलर कॉलेज की बात कर रहे हैं तो वो भी दिक्कत है। मैनेजमेंट का भी पहले ही पेपर है, सारे पेपर एकदम से हैं, तो मैं किसी के वीडियो को होल्ड करके एक पूरा डाल भी नहीं सकता। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं ऐसा करता हूँ, क्या करा जाए, चलिए एक काम ही कर सकते हैं, जितने बच्चे रेगुलर वाले हैं, सिर्फ रेगुलर वालों की मैं एक कोर्स क्रिएट कर देता हूँ, ठीक है, एक कोर्स मैं लॉन्च कर देता हूँ रेगुलर वाले बच्चों के लिए। बहुत सारे बच्चे जो पढ़ रहे हैं उनको तो दिक्कत ही नहीं है, जो एप्लीकेशन पे एनरोल है, यूट्यूब पे जिन्होंने पढ़ लिया उनको कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरी बात, यूट्यूब पे बच्चे पुरानी वीडियो भी देख रहे हैं, उसमें दिक्कत होगी भाई, एग्जाम में फिर परेशान मत होइएगा। मैंने कई बार पहले भी अनाउंसमेंट करा है, रेगुलर वालों के 10 से 12 दिन बचे हैं, जो बच्चा लेना चाहता है 199 का मैं कोर्स कर देता हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ रेगुलर वाले बच्चों के लिए है। SOL वाले बच्चे खरीद के अपना, डोंट वेस्ट मनी। SOL वालों का एग्जाम लेट है 27 तारीख को, तब तक मैं ज्यादा से ज्यादा वीडियो डाल दूंगा यूट्यूब पे, कोशिश रहेगी ज्यादा से ज्यादा हो जाए। तो SOL वाले स्टूडेंट अभी यूट्यूब से जुड़े रहें, मेरा तो ये टारगेट है। और ये सिर्फ रेगुलर वाले बच्चे, जो कि DU के रेगुलर, जिनका एग्जाम 17 तारीख को है, तो वो कोर्स ले सकते हैं 199 रुपये का। डायरेक्ट आपको 199 रुपये का वहां पे कोर्स प्राइस शो होगा, आप डायरेक्ट ले सकते हैं। मैं, अगर फिर भी डाउट होता है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, क्योंकि रेगुलर कॉलेज में पढ़ रहे हो तो देखो, मैं वैसे बोलने वाला कोई नहीं होता कि 199 रुपये का तो वैसे ही खर्च कर देते हो, ये कर देते हो। हर किसी की अपनी अपनी ज़रूरत होती है, अपने अपने हिसाब से खर्च करा जाता है। फिर भी किसी बच्चे को लगता है कि सर जेन्युइनली कुछ इंसिडेंस हो गया, तो हम बस ये सोच रहे हैं कि ऐसा कोई बच्चा हो कि हम बस पेपर देके इस बार सोच रहे हैं कि कुछ हो ना हो, जॉब कर रहे थे, कुछ भी कर रहे थे, कोई भी, मतलब मैं कहना चाहता हूँ किसी तरीके की कोई, फिर भी पेमेंट के रिलेटेड कोई डिफिकल्टीज आती है तो मैं आपके साथ हूँ। मुझे ये अनाउंसमेंट करके खुद भी बेकार लग रहा है, क्योंकि जो कॉस्टिंग आ रही है उसकी,
मैंने वो सारी चीज़ें इस पे डाल दी है। कॉस्टिंग मतलब जो जिससे बात करते हो, कम्युनिकेट करते हो, उनका भी इंसेंटिव बेसिस पे होते हैं वो, कमीशन बेसिस पे ना, क्योंकि अब उनको कमीशन नहीं देंगे तो कहेंगे सर मैं टिकल ही नहीं करूँगा स्टूडेंट को, तो 50% उनका कमीशन है, फिर टैक्स है, फिर बहुत सारी चीज़ें हैं, तो 199 रुपये। फिर भी किसी का जो होगा वो हम देखेंगे अपने सबसे बेस्ट। तो बताते हुए इतना ज़्यादा मुझे अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन प्रॉमिस किया था तो मैं एक ऑल्टरनेटिव लेके आया हूँ। बाकी मैं वीडियो दो डालने की पूरी कोशिश करूँगा। जिन बच्चों ने पहले सारा कर रखा है, जैसे मान लो कि होल्डिंग पहले कर रखा है, एमलगमेशन, नो नीड टू बाय, बाय करने की जरूरत नहीं, आप पैसे कर सकते हैं। तो सर हाँ एक चीज़ देखेंगे कि मैं एक चीज़ बोल देता हूँ, ये सिर्फ रेगुलर वाले बच्चों के लिए है, अगेन बोल रहा हूँ रेगुलर वाले बच्चों, क्योंकि इसकी वैलिडिटी 18 तारीख तक रहेगी, 18 तारीख के बाद ऑटोमेटिकली एक्सपायर हो जाएगा वो। और एस एल वाले बच्चों का पेपर है 27 को, तो एस एल वाले को तो यूट्यूब से मैं करा ही रहा हूँ, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो एस एल वाले लेंगे फिर 17 को, अगर उनका एक्सपायर हो जाता है गलती से, अगर ले लेते हैं हम भी ले लेते हैं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो बस एक यही छोटी सी अनाउंसमेंट करनी थी, जाइए, 10 दिन पेपर के बचे हैं, और मैं उसमें खूब सारे लाइव क्लास भी लूंगा आपके लिए, खूब सारे स्ट्रेटेजी भी लाऊंगा और यूट्यूब पे भी डालूंगा, बस यही कहना था। थैंक यू सो मच, और आप सब इतना कनेक्टेड हैं, काफ़ी बच्चे बहुत वेट करते हैं वीडियो के लिए, मुझे अच्छा नहीं लगता वेट करवा के, लेकिन वही है कि काम करके आप अभी भी देखेंगे तो मेरे पास अभी तक वीडियो, मैंने बोला हुआ है, बोला सर कन्वर्ट हो रही है, अपलोड कर रहे हैं, कन्वर्ट हो रही है, अपलोड, तो चलता रहता है। चलिए एनीवेज हिम्मत करेंगे और आगे चलेंगे, आप भी मेहनत करिए, ईमानदारी के साथ पढ़िए, मन लगा के पढ़िए, 10 दिन है, 10 दिन के अंदर आपको मतलब के नेक्स्ट लेवल पे काम करके दिखाना है कॉर्पोरेट में, और जब पेपर जाए तो आपको बताना है कि सर पेपर अच्छा गया है, इस तरीके से पढ़िए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।